आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं अपना रिजल्ट शो करने वाला हूँ ट्रांसप्लांटेशन के 4 साल बाद का। उसके बाद मैं बात करूंगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन में मेरा खर्चा कितना आया था। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि मैंने ट्रांसप्लांटेशन कहाँ से करवाया था और आपको कहाँ से ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए। Hey guys, welcome back to this channel। कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो केस स्टडी होने वाली है, केस स्टडी मुझ पे। आज की वीडियो में अपनी केस स्टडी आपको दिखाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके मेरे ट्रांसप्लांटेशन को, आपके सामने मैं अपने 4 साल का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो ज्यादा सीरियस ना होते हुए थोड़ी कैजुअल होने वाली है। आज की वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, आज की वीडियो में आपको पहले बता देता हूँ, हम 4 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन जो मैं चीजें बताने वाला हूँ, मैं यूजुअली सारी वीडियोस में वो चीजें नहीं बताता, और हो सकता है आगे जाके वो चीजें मैं नहीं बार बार बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। जो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा 4 साल बाद। जो मेरा रिजल्ट है वो अच्छे से आपको दिखा दूंगा ऑन स्क्रीन, अच्छे से हर पोज में आपको अपने ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट दिखाऊंगा। दूसरी बात, मैं आपको ये बताऊंगा मेरा ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आया था। सबसे ज्यादा लोग यही पूछते हैं कि का कॉस्टिंग कितनी है, इंडिया में कितना ट्रांसप्लांटेशन खर्चा आता है, वो मैं आपको बताऊंगा दूसरे में। तीसरी बात, मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने क्लिनिक चूज किया, कहां से मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया, और कैसे अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो तो आपको क्लिनिक चूज करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथे पॉइंट में बात करूंगा कि मैं कौन सी मेडिकेशन अभी तक फॉलो कर रहा हूं। 4 साल हो चुके हैं, अभी तक मैं कौन कौन सी दवाइयां खा रहा हूं, आपको भी 4 साल बाद कौन सी दवाइयां खानी पड़ेगी, वो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो 4 चीजें मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट चारों की चारों चीजें हैं, बार बार मैं नहीं बताने वाला ये चीजें हर वीडियो में। हो सकता है ये मेरे रिजल्ट का फाइनल वीडियो हो, क्योंकि ऑब्वियसली 4 साल हो चुके हैं ट्रांसप्लांटेशन का, तो बार बार वीडियो बनाना बनता नहीं है। तो आज की वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, अब वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे रिजल्ट के बारे में। देखिए, 4 साल पहले मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, ऑलमोस्ट 3000 ग्राफ लगे थे मेरे, और स्क्रीन में मेरे रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा रिजल्ट आया है। और साथ में आपको मैं फोटो भी दिखा देता हूँ, ट्रांसप्लांट से पहले मेरी फ्रंटल लिवर काफी ज्यादा रिसीव हो चुकी थी। सिर्फ 21 ईयर ओल्ड था मैं जब मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया। काफी लोगों को डाउट रहता है कि 25 साल से पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, आई वॉज ओनली 21 ईयर ओल्ड, फ्रंटल लिवर काफी ज्यादा रिसीव हो गई थी। मेरा जो हेयरफॉल था वो प्रोग्रेसिव नहीं था, ऑब्वियसली होता था लेकिन ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं था। ऑलमोस्ट 3000 ग्राफ्ट लगे थे, FUE टेक्निक से मेरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, एंड अभी 4 साल बाद मेरा रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। अब काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि एग्जिस्टिंग हेयर को कैसे मेंटेन किया जाए अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन कम उम्र में करवा लिया। काफी लोगों को लगता है कि कम उम्र में अगर हम ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं तो ट्रांसप्लांटेड बाल तो आपके रह जाएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो झड़ जाएंगे। तो मैंने कैसे अपने एग्जिस्टिंग हेयर को मेंटेन किया है वो तो मैं आगे जाकर वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप देखिए मेरे एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी ट्रांसप्लांटेड हेयर से बिल्कुल मैच कर रही है। आप देख सकते हैं डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है जैसे मेरे ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आया था अभी तक। अगर हम बात करें टेंपल्स की, तो मेरे टेंपल भी बनाए गए थे, आप देख सकते हैं टेंपल क्रिएशन मेरा बहुत अच्छी तरीके से हुआ था, जिस वजह से मेरे टेंपल अभी तक काफी ज्यादा नेचुरल लग रहे हैं। अगर हम बड़े डोनर एरिया की तरफ, तो मैं आपको पहले बता देता हूं, मेरा डोनर एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, मेरा एवरेज डोनर एरिया था। ऑल्दो मेरे हेयर की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी, इस वजह से मेरा रिजल्ट काफी नेचुरल लगता है, लेकिन मेरा डोनर एरिया एवरेज था। और 3000 ग्राफ ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्ट करने के बावजूद भी मेरा डोनर एरिया आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से कवर्ड है अभी भी। अगर इन फ्यूचर मेरे को ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है 10 साल बाद 5 साल बाद, तो इजीली मेरा ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर हमने कम उम्र में ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया तो हमें बार बार ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ेगा। मैंने जब ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, मैं सिर्फ 21 साल का था, और मैंने सिर्फ एक बार ट्रांसप्लांटेशन करवाया। मैंने अपने चैनल में बार बार ये बात बोली है, सिर्फ एक बार मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया। 4 साल हो चुके हैं, मेरे को दूसरे सेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो काफी लोगों के मन में डाउट था, सर आपने कितनी बार ट्रांसप्लांटेशन करवाया, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं, मैंने सिर्फ एक बार ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। हो सकता है मेरा ट्रांसप्लांटेशन इतने अच्छे तरीके से हुआ कि मुझे दोबारा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आपके मन में ये डाउट है कि ट्रांसप्लांटेशन बार बार करवाना होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मैंने एक बार ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, एंड आई एम हैप्पी विद माय रिजल्ट। अब जो मैं मेंटेन कर रहा हूं बालों को, वो चीजें तो मैं आगे जाके वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप मेरे रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है हमेशा से। जब भी कोई ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बारे में सोचता है तो दूसरा पॉइंट यही आता है दिमाग में, खर्चा कितना आएगा। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खर्चा कितना आएगा ट्रांसप्लांटेशन में। मैंने 4 साल पहले अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, उस समय मेरी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 35,000 to 40,000 rupees आई थी, और मेरा जो ट्रांसप्लांटेशन कॉस्ट थी वो 10 to 15 rupees पर ग्राफ में मेरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। देखिए, अगर हम एवरेज कॉस्टिंग की बात करें इंडिया में, तो 15 to 20 rupees पर ग्राफ में आज की डेट में अच्छा ट्रांसप्लांटेशन इजिली पॉसिबल है। मैंने जब 4 साल पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, तो ऑब्वियसली मेरा 10 to 15 rupees पर ग्राफ में हुआ था। काफी लोगों को ये डाउट रहता था कि अगर आप अफोर्डेबल ट्रांसप्लांटेशन करवाओगे तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट चाहिए, आपको सेलिब्रिटी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ेगा, आपको बड़े बड़े क्लिनिक में जाना पड़ेगा, आपको इंडिया से बाहर भी जाना पड़ सकता है अच्छा ट्रांसप्लांटेशन
ट्रांसप्लांटेशन के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने जब ट्रांसप्लांटेशन करवाया था बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ट्रांसप्लांटेशन करवाया था एंड सिर्फ 35,000 to 40,000 में आप मेरे रिजल्ट देख सकते हैं। 4 साल हो चुके हैं और बहुत वंडरफुल मेरे रिजल्ट आए हैं। और स्पेशली कॉस्टिंग पे मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा वीडियोस बनाई हुई है हमारे चैनल पे, जिसमें मैंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट को एक्सप्लेन किया है, क्यों डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग होती है। दिल्ली में अलग कॉस्ट होती है, चंडीगढ़ में अलग कॉस्ट होती है, पुणे मुंबई, क्यों डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होती है, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आगे जाके और वीडियो भी हमारे चैनल पे आएगी जो हम डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मुझसे सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं जब हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, जब बेस्ट हेयर हेल्प पे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि आपने क्लिनिक को कैसे चूज किया, अगर हमें ट्रांसप्लांटेशन करवाना है तो हम कैसे क्लिनिक को फाइनलाइज करें कि हाँ हमें यहाँ से ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूँ आज के टाइम की, तो आज के टाइम में क्लिनिक चूज करना ईजी हो चुका है एज कम्पेयर टू दैट टाइम जब मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था आज से 4 साल पहले। उस समय जो क्लिनिक्स थी उनकी मार्केटिंग प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत कम हुआ करती थी, तो हमें डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था कि हमें कहाँ से ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए। मैंने जहाँ से ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, फॉर्चुनेटली मेरे किसी नोन ने, किसी रिलेटिव ने वहाँ से ट्रांसप्लांटेशन करवाया था और उनका रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आया था, तो मैंने उन्हें देख के वहाँ ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया। क्योंकि जब मैं सर्च किया करता था इंटरनेट पर आज से 4 से 5 साल पहले, तो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी। इंडिया में जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन इंडस्ट्री है वो पिछले 2-3 साल में ही बूम हुई है, जितनी भी क्लिनिक्स हैं उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस 2-3 साल में ही आई है। उससे पहले अगर आपको किसी क्लिनिक का रिजल्ट देखना होता था तो आपको क्लिनिक में विजिट करना पड़ता था, कंसल्टेशन के लिए आपको 700-800 रुपए देने पड़ते थे फेस टू फेस कंसल्टेशन के, और उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलता था। लेकिन आज की डेट में क्लिनिक्स के रिजल्ट्स उनकी वेबसाइट्स में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है आज की डेट में क्लिनिक को फाइनलाइज करना। और अगर आप किसी भी क्लिनिक को फाइनलाइज करना चाहते हो ट्रांसप्लांटेशन के, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज होती है जिसको फुलफिल अगर कोई क्लिनिक कर रहा है तो आप वहां से ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। नंबर 1, क्वालिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर एंड एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्टर शुड बी क्वालिफाइड एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड। नंबर 2, रिजल्ट ऑफ द क्लिनिक। जिस क्लिनिक में आप ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो वहां के रिजल्ट्स कैसे हैं, क्या वहां के रिजल्ट्स आपके ग्रेड ऑफ बोल्डनेस के हिसाब से फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी क्लिनिक के आपको 2 रिजल्ट दिखा दिए, दोनों 2 फ्रंटल हेयरलाइन के रिजल्ट दिखा दिए, आपको वो पसंद आ गया तो आप क्राउन का ट्रांसप्लांटेशन वहां पे करवाने चले गए, ऐसा नहीं होगा। कुछ क्लिनिक्स क्राउन में स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ क्लिनिक्स की फ्रंटल हेयरलाइन काफी ज्यादा नेचुरल होती है, कुछ क्लिनिक्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं डिफ्यूजन एलोपेशिया के केसेस में। तो क्लिनिक्स टू क्लिनिक्स वेरी करता है कि किस क्लिनिक की क्या स्ट्रेंथ है। आपका सपोज डिफ्यूजन एलोपेशिया का केस है तो आप जिस क्लिनिक को फाइनलाइज करो वहां पे एटलीस्ट डिफ्यूजन एलोपेशिया के केसेस देखो कि आपके रिजल्ट कैसे हैं उस क्लिनिक में डिफ्यूजन एलोपेशिया के, देन आप वहां पे फाइनलाइज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने क्लिनिक को चूज किया था, मेरे नोन ने वहां पे ट्रांसप्लांटेशन कराया था, उनके रिजल्ट को मैंने देख के क्लिनिक चूज किया। फिर उसके बाद हमने चैनल स्टार्ट किया था। इनिशियली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा चैनल को, बट चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने के साथ साथ लोगों के डाउट्स आने लगे कि आप प्लीज हमारे स्टेट में, सपोज कोई मुंबई से, तो कमेंट्स आने लगे कि मुंबई का बेस्ट क्लिनिक बताओ। इन कमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने केस स्टडी सीरीज लॉन्च की थी आज से लगभग 3-3.5 साल पहले। हम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिक्स के रिजल्ट शो करने लगे थे। बिलीव मी, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा आपका, काफी डॉक्टर्स ने हमें खुद अप्रोच किया, अप्रिशिएट किया। हमने उनके अप्रिशिएशन को देखते हुए एक बेस्ट हेयर हेल्प एक वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, लगभग 3 साल हो चुके हैं, जिसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला आपका एंड इंडिया के टॉप डॉक्टर्स का। और अगर हम आज की डेट में बात करें तो मोर देन 40 डॉक्टर्स आर एसोसिएटेड विद besthairhealth.com। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट में 40 से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स आर एसोसिएटेड है। और अगर हम बात करें जर्नी की, तो 3 साल में लगभग 5,000 लोगों ने बेस्ट हेयर हेल्थ में सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेशन करवाया, जिनमें से काफी लोगों की तो हमने जर्नी अपने चैनल में शो करी और आगे जाके करने वाले। सो क्लिनिक को चूज करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कुछ क्राइटेरिया होते हैं आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने क्राइटेरिया को अच्छे से फॉलो करा, रिक्वायरमेंट्स को क्लिनिक ने फुलफिल किया, आप वहां पे जाके इजीली ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग हेयर की टेक केयर कैसे कर रहा। राइट, आपने काफी ज्यादा रिजल्ट्स देखे होंगे जहां पे 1 साल बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है लेकिन 2-3 साल बाद बाल वापस से झड़ने लगते हैं। राइट, आपके मन में डाउट आने लगता है कि ट्रांसप्लांटेशन तो यार 2-3 साल का प्रोसीजर है, उसके बाद तो ट्रांसप्लांटेशन का फायदा ही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, 4 साल हो चुके हैं मेरे ट्रांसप्लांटेशन को, लेकिन अभी तक मैं कैसे टेक केयर कर रहा हूं जिस वजह से मेरे एग्जिस्टिंग हेयर बिल्कुल मेंटेन है। मैंने एक्चुअली पहले भी एक बात बताई है कि अगर मैं मेडिकेशन की बात करूं तो घबराओ मत, मैं कोई भी मेडिकेशन स्पेशल फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ फिनिस्ट्राइड लेता हूं, फिनिस्ट्राइड भी रेगुलरली नहीं ले रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पिछले 3-4 साल से रेगुलरली फिनिस्ट्राइड ले रहा हूं। मैं फिनिस्ट्राइड के कोर्स को फॉलो करता हूं। कोर्स इन द सेंस ऑफ 2 महीने फिनिस्ट्राइड आप ले सकते हो,
एक महीना छोड़ दीजिए, फिर दो महीने लीजिए। अब फिनिस्ट्राइड में ये डाउट काफी लोगों को रहता है कि फिनिस्ट्राइड से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, बहुत कम लोगों को फिनिस्ट्राइड से साइड इफेक्ट्स फील होते हैं, लेकिन ये परमानेंट साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं है। हमें काफी लोगों ने कॉन्टैक्ट किया जिनको साइड इफेक्ट फील हुए फिनिस्ट्राइड के, लेकिन जब उन्होंने फिनिस्ट्राइड लेना बंद कर दिया तो साइड इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो गए। काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि फिनिस्ट्राइड के साइड इफेक्ट जो है वो परमानेंट है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिनिस्ट्राइड के साइड इफेक्ट टेंपरेरी होते हैं और बहुत कम लोगों को होते हैं। तो अगर आप फिनिस्ट्राइड ले रहे हो, आपको साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आप छोड़ सकते हो, फिनिस्ट्राइड के साइड इफेक्ट बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब बात आती है स्पेशल केयर के बारे में। तो देखिए, ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जरी है, बिल्कुल नेचुरल हेयर ग्रो हो रहे हैं आपके ट्रांसप्लांटेशन के बाद, तो आपको स्पेशल केयर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि विक के थ्रू आपको बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। बहुत बेसिक केयर होती है, जैसे आप नॉर्मली अपने बालों को ट्रीट करते थे ट्रांसप्लांटेशन से पहले, आपको वैसे ही ट्रीट करना है। मैं मिनोक्सिडिल यूज नहीं करता, मैं कोई स्पेशल शैम्पू यूज नहीं करता, मैं कोई हेयर फाइबर यूज नहीं करता, मैं कोई सीरम वगैरह कुछ भी यूज नहीं करता। स्टिल अगर मेरे हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं तो महीने में एक बार मैं ऑयलिंग कर लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ भी स्पेशल चीजें यूज नहीं करता। तो अगर आपके मन में ये डाउट था, आप लोग काफी ज्यादा कॉमेंट्स में पूछते थे हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेयर, तो मैं आपको बता देता हूँ, आई डोंट टेक एनी स्पेशल केयर ऑफ माई हेयर। जैसे आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले थे आप टेक केयर करते थे, वैसे ही आपको टेक केयर करने, कोई स्पेशल रूटीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ट्रांसप्लांटेशन के बाद। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोज लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।